पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। कौमी असम्बली के हलका NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के लिए जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक दोनों मियां बीवी के कागजात नामजदगी का तजवीज़ कुनिंदा हल्के का नहीं था, इस वजह से दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। वाज़े रहे कि जमशेद इकबाल चीमा ने गुज़श्ता दिनों ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के अहदे से इस्तीफ़ा दिया था। याद रहे कि NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 5 दिसंबर को होगी, जबकि NA 133 की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन परवेज़ मलिक के इंतकाल से खाली हुई थी।